कश्मीर में अक्षय ने बनवाया स्कूल, 1 करोड़ डोनेट कर मिस्टर कुमार ने की मदद। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने देश की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े होते हैं। मिस्टर कुमार हर पल अपने देश के लिए तैनात रहते हैं। कोरोना काल में भी मिस्टर कुमार मदद करने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। लोगों की मदद करने के लिए लॉकडाउन के दौरान अक्षय ने कई बार मनी डोनेट की। वहीं 17 जून को अक्षय कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने देश के बीएसएफ जवानों से खास मुलाकात की थी। खिलाड़ी कुमार ने वहां पहुंचकर लोकल लोगों से भी खास मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, उनके साथ मस्ती भी की थी। आपको याद होगा कि बॉलीवुड रिपोर्टर ने आपको बताया था कि अक्की ने वहां पर रह रहे बच्चों की मदद करने का भी ऐलान किया था। हर पल मदद के लिए तैयार अक्षय ने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए 1 करोड़ रुपए बतौर स्कूल डोनेशन के लिए दिए थे। लेकिन अब बीएसएफ ने इस खबर पर मुहर लगाते हुए स्कूल की इमारत का पहला फाउंडेशन स्टोन दिखाया है। बीएसएफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें स्कूल का नाम अक्षय कुमार के मरहूम पिता हरिओम भाटिया के नाम पर रखा गया है। अक्षय ने खुद इस टूटे हुए स्कूल को रीस्टैब्लिश करवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके बाद अब फाइनली अक्की का ये सपना सच हो गया है। आपको बता दें कि अक्षय ने 17 जून को कश्मीर से अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बीएसएफ के बहादुर जवानों के साथ आज यादगार दिन बिताया। यहाँ आना हमेशा सुखद अनुभव होता है। असल हीरो से मिलकर मेरा दिल सम्मान से भर जाता है। वहीं खिलाड़ी कुमार के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अक्षय कुमार की अगली फिल्म सूर्यवंशी रिलीज के लिए तैयार है, मगर कोरोना वायरस के कारण थिएटर्स बंद पड़े हैं और इसकी रिलीज अटकी हुई है। अक्षय कुमार इसके अलावा अपनी फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। बच्चन पांडे और बेल बॉटम की शूटिंग भी तकरीबन खत्म कर चुके हैं और अब वो आने वाली फिल्म रक्षाबंधन, पृथ्वीराज, राम सेतु की शूटिंग में बिजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।